वेलकम टू अवर न्यू वीडियो गाइस। तो आज हम लोग देखने वाले हैं वीडियो को 8K में कैसे कन्वर्ट करें। सबसे पहले आप लोग को अलाइट मोशन डाउनलोड कर लेना है, उसको ओपन करना है, फिर ऐड को कट करके देखिए यहाँ प्लस का चिन्ह आ रहा है, यहाँ पर आना है, क्रिएट प्रोजेक्ट में आना है, उसके बाद ऐड में आना है हम प्लस में, फिर आपको यहाँ से मीडिया के ऑप्शन में जाना है और अपने फाइल को चूज कर लेना है। फाइल चूज करने के बाद फाइल को आप लोग क्या करना है, थोड़ा सा बड़ा कर लेना है, 4:5 के रेशियो में रखना है, थोड़ा सा बड़ा कर लेना है, और देन इसमें इफेक्ट्स के ऑप्शन दिख रहा होगा, इफेक्ट पे क्लिक करना है, ऐड इफेक्ट में क्लिक करना है, और यहाँ पर सर्च करना है आप लोग को ब्राइटनेस एंड कॉन्स्टेंट, ब्राइटनेस मैं लिख देना ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रेस्ट, इसमें स्टैंडर्ड सेटिंग को सिलेक्ट कर लेना है, फिर आपको बैक आके फिर आपको ऐड इफेक्ट करना है। अभी आपको करना है यहाँ पर हाईलाइट्स एंड शैडोज, फिर स्टैंडर्ड सेटिंग पर क्लिक करके आपको यहाँ पर कर लेना, फिर और एक इफेक्ट ऐड करना है आपको यहाँ पर सेचुरेशन एंड वाइब्रेशन, यहाँ पर इसमें आपको सेट कर लेना है, उसके बाद फिर आपको इफेक्ट ऐड करना है, फिर आपको यहाँ पर करना है शार्पन, शार्पन का स्टैंडर्ड सेटिंग को ऐड कर लेना है। इसके बाद क्या करना है आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना है, ब्राइटनेस को +12 पे रखना है, कॉन्ट्रास्ट को -9 पे रखना है, हाईलाइट्स को 128% पे रखना है, शैडोज को 59% पे रखना है, शार्पन में स्ट्रेट को 17.32 में रखना है, और रेडियस को 3.2 में रखना है, और सेचुरेशन को 100% रखना है, और वाइब्रेशन को 1.53 रखना है। उसके बाद आप देख सकते हैं वीडियो आपका यहाँ कन्वर्ट हो चुका है पूरा 8K में। अब आपको यहाँ पर 1440p पे एक्सपोर्ट कर देना है, एक्सपोर्ट करने में 2 मिनट लगेगा, जल्दी से एक्सपोर्ट कर लेना बस। अब आपका यहाँ वीडियो रेडी हो चुका है।